उठो चलो आगे बढ़ो, मन की आवाज सुनो, खुद के सपने साकार करो, अपना भी कुछ नाम करो, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करो, सपनों में उड़ान भरो, सपनों में उड़ान भरो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मिशन को अंतिम पड़ाव पर, MCQ ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हम फटाफट सीरीज के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने सपनों को सच करने जा रहे हैं। अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता है, याद रखिएगा। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। हम अपनी मेहनत की चाबी से सफलता का ताला खोल देंगे, हम अपनी मेहनत की चाबी से सफलता का ताला खोल देंगे। चलिए छठे और सातवें चैप्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से फटाफट सीरीज के माध्यम से। पहला प्रश्न है, निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट जवाब। जल किस प्रकार का संसाधन है? बिल्कुल सही, चक्रीय संसाधन। जल किस प्रकार का? चक्रीय संसाधन। दूसरा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? प्रश्न को अच्छे से समझकर, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, किस राज्य में भौम जल का उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? और बताना चाहूंगा, ये वो राज्य है जहां पर घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर रखा है गवर्नमेंट ने। एक और प्यारा प्रश्न, घरों में जल संग्रहण संरचना को अनिवार्य बनाने वाला राज्य भी वही है। बिल्कुल सही, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तीसरा प्रश्न देखिएगा, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस में है? यानी सबसे अधिक जल का इस्तेमाल कहाँ होता है? सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग, किन के अंदर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और वो है सिंचाई, इरिगेशन की बात आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, रालेगन सिद्धि गाँव देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है, ये किस राज्य में स्थित है? अन्ना हजारे का गांव है भी ये, रालेगन सिद्धि अन्ना हजारे का गांव है, कोई नहीं भूल सकता अन्ना हजारे। और उसी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली में मुख्यमंत्री, यही रालेगन सिद्धि किस स्टेट के अंदर है? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र, अन्ना हजारे महाराष्ट्र के हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है? ये प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं, जल संग्रहण संरचना को आवश्यक कहां पर कर दिया गया है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण कुंड या टांका में किया जाता है? अब ये तो कुंड या टांका आप जानते हो, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी होती है, हर घर में ये चीज़ मिल जाती है, जमीन में एक टंकी बनाई जाती है, कुंड बोलते हैं, टांका बोलते हैं। और कहाँ है? अपने राजस्थान के अंदर ही यही नाम प्रचलित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस ऐश का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम के अंदर कौन सा ऐश खनिज है वो काम में आता है? सीधी सी बात है, प्रश्न में ये पूछना चाहता है एल्यूमिनियम के ऐश का नाम बताइए, तो वो कौन सा है? बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट। हेमेटाइट आपको पता, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये किसके होते हैं? लोहे के हैं, आयरन के हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जल क्रांति अभियान भी याद है क्या? कब? जल क्रांति अभियान 2015-16 याद रखिएगा, जल क्रांति अभियान भी 2015-16। और हरियाली जो योजना है वो केंद्र सरकार की है, नीरू मीरू, जिसका मतलब है जल और आप। आंध्र प्रदेश का याद है ना, अरवारी पानी संसद, अलवर के अंदर है राजस्थान, वो भी याद रखना। आठवां, निम्न में से कौन सा खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है? प्रश्न आप पढ़ चुके हो, जल्दी से उत्तर बताइए, कौन सा खनिज है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है? मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज। क्या मुझे बता सकते हो मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य, ध्यान रखिएगा, वो कौन सा है? ओडिशा, 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 ओडिशा। और साथ में ये भी बता दूं, बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। तो इस बॉक्साइट का भी अग्रणी उत्पादक राज्य ओडिशा है। तो मैग्नीज और बॉक्साइट दोनों के उत्पादन में अग्रणी, यानी
एक नंबर सबसे आगे जो स्टेट है वो ओडिशा है, ओडिशा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये अभी कर ही चुके हैं अपने, कौन सा है, ओडिशा है, ओडिशा, ओडिशा। अगला प्रश्न दसवां, मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य, एक साथ कर चुके हैं, रट लेना अच्छे से, मैग्नीज भी सबसे ज्यादा ओडिशा में होता है और बॉक्साइट का उत्पादन भी सबसे ज्यादा ओडिशा में। निम्न में से किस राज्य के अंदर प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, ऑयल, ऑयल पेट्रोलियम जहां पर निकलता है वो, इन चारों में से प्रमुख स्टेट कौन सी है आपको पता है, और वो है आसाम, असम, असम चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, बहुत प्यारा प्रश्न, पहला किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो स्थापित किया गया था। आप उन 5-7 एनर्जी वाले जो परमाणु ऊर्जा देने वाले सेंटरों के नाम जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ब्राउन डायमंड के नाम से इनमें चारों में से किसे जाना जाता है, बताइएगा जल्दी से कौन सा है, बिल्कुल लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है लिग्नाइट। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, जल, ताप, सौर, पवन, कौन सा हो सकता है इनके अंदर, बिल्कुल सही, थर्मल यानी ताप, ताप कोयले से जहां एनर्जी बनाई जाती है वो। अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, बहुत प्यारा प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब हुई, 1948 में, बिल्कुल सही 1948 में, 48 को अगर उल्टा कर दें तो क्या लिखेंगे भाई, 1984 याद होगा, 1984 में किसकी स्थापना हुई, गेल, GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना कब हुई थी, 1984 में, 1984 वो ईयर है जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई, उनको गोली मार दी गई, 1984 सिख दंगे, 1984, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, और 48 का उल्टा कर दें तो 84 में गेल, गेल आया, क्रिश गेल क्रिकेट का खिलाड़ी भी है, 1984 में आया, ऐसे याद रख ले, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। जब सन की बात चल रही है तो एक सन यहां और भी बताना चाहूंगा, और वो है 1956 और याद रख लीजिएगा, 1956 के अंदर क्या हुआ, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई, 1956 के अंदर, 48 में परमाणु ऊर्जा आयोग, 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, आप गौर कीजिएगा, और ये नाभिकीय संयंत्र आप अच्छे से जरूर याद कीजिए, और इनमें से देखिए कौन सा है वो असुमेलित है, इनके अंदर भी गलत प्रिंट है, वो कौन सा है आपको ये बताना है इनमें से। देखिए तारापुर, तारापुर कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र में से, इरावत भाटा राजस्थान में है, नरोरा कहाँ पर है, नरोरा कहाँ पर है, नरोरा, 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 नरोरा तो भाई उत्तर प्रदेश में है, इसने गलती से तमिलनाडु, तो इसका मतलब ये गलत, ये उत्तर छांटना चाहता है, नरोरा कहाँ पर है, यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में, केगा कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर, तो अच्छे से याद रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान में, कल्पकम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कौन सा है, कल्पकम, नरोरा यूपी में है, केगा कर्नाटक में है, और काकरापाड़ा गुजरात के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 17वां क्वेश्चन फटाफट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब गेल, क्योंकि हम पहले जोड़कर पढ़ चुके हैं, कब, जल्दी से, 48 में कौन आया, परमाणु ऊर्जा आयोग आया, 56 में कौन आया, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आया, और 1984 में क्या आया, गेल आया, 1984 में गेल आया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आया। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, कोयला क्षेत्र, बहुत प्यारा प्रश्न, सबसे ज़्यादा कोयला, मोस्टली हम जितने भी आयरन जो संयंत्र हैं वो पढ़ेंगे उनके अंदर उसका जिक्र बार बार आता है, सभी कहीं ना कहीं कोयला मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, झरिया, झरिया झारखंड, झरिया झारखंड, झरिया झारखंड, 18वें का एक सही है। तो ये दो चैप्टर के भी अपने इंपॉर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन है उनको भी सल्टा दिया है, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा, अपना हौसला बढ़ाते रहिएगा, जीत रहे हैं हम, उम्मीद के बिना डर नहीं होता। आप में से कोई बच्चा ये कहता है ना भी मुझे डर लगता है, मैं रोज बात कर रहा हूं, अब
इसका मतलब आपको उम्मीद है, उम्मीद है इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उम्मीद के बिना डर नहीं होता और डर के बिना उम्मीद नहीं होती। तो आपको उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, अपना सपना सच कर लेंगे, तभी तो डर लगता है। याद रखिएगा, डर के आगे जीत है। अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव संदेश दीजिएगा, कुछ डर नहीं है, अब हम जीत के करीब है, मंडे अपना होगा, शिव जी अपने होंगे। आज के इस नव वर्ष के ऊपर अपने आप से संकल्प लीजिएगा, माँ दुर्गा को याद करते हुए, आज नवरात्रा भी स्टार्ट हो गए, माँ दुर्गा को याद करते हुए संकल्प लीजिएगा भी मुझे कोई डर नहीं है। और न ही ये डर वाली बात आप अंदर कोई रिपीट करेंगे, बस जितना आप कर चुके हैं इजी वे में उनको रिवाइज करें, अब नया कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, आपको जीतने की आदत है, आपको जीतने की आदत है, ये मेरा विश्वास है।